स्टूडेंट ऑफ द ईयर आपको कैसे मिली, क्या एक्सपीरियंस था? बहुत से लोगों का ये सिर्फ ड्रीम था कि वो धर्मा के साथ, हम जब इस फील्ड में आते हैं हम सोचते हैं कि हम यशराज के साथ काम करें, हम धर्मा में काम करें, और वो पूरा होना किसी का, मेरे जैसे इंसान का, जो उसको एक दो साल पहले पता ही नहीं था क्या करना क्या है। एक समय ऐसा आया साहिल तुम्हारी लाइफ में जहाँ यू हैड टू गो थ्रू अ वेरी यू नो डिफिकल्ट स्टेज, यू हैड टू कंसल्ट अ साइकियाट्रिस्ट? अगर मुझे बुखार खांसी जुकाम होता है मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, वैसे ही अगर मेरे, ये भी मेरे शरीर का ही पार्ट है ना दिमाग, अगर मेरे को उसके साथ कुछ होगा तो मैं साइकियाट्रिस्ट के पास, मैं तो ओपनली मैं बोलता हूँ भैया मैं गया था। साहिल, मैरिज एज अ होल के बारे में आप कैसे देखते हो इस इंस्टीट्यूशन को? क्योंकि मैं बहुत लोग देखता हूँ शादी करते हैं एक साल बाद या छः महीने बाद या दो महीने बाद डिवोर्स हो जाते हैं, और कई लोग हैं जो साथ में रह रहे हैं, लिविंग में रह रहे हैं, और वो सालों साल साथ हैं। एंड यू आर आल्सो वेरी वोकल अबाउट सिद्धार्थ शुक्ला। आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक, आई रिग्रेट डूइंग दैट एंड आई विल ऑलवेज, बिकॉज दैट गाय इज नो मोर, उसको इतना प्यार मिला दुनिया से। ना जश्न होता है ना होती है रात यहाँ, हमारे बात कहाँ पहले वाली बात यहाँ, शरीफ लोगों में दिलदारियाँ नहीं होती, शरीफ लोगों में दिलदारियाँ नहीं होती, बहुत ज़रूरी है हम जैसे वाहियात यहाँ। मनोज मुंतशिर की ये लाइंस हमारे आज के कलाकार के मद्देनजर। नमस्कार, मैं हूँ रिदम दत्ता और आप सब देख रहे हैं रिदम ऑफ लाइफ। हमारे आज के खास कलाकार मेरा एक अच्छा दोस्त है, वो जबरदस्त कलाकार है, यारों का यार है, दिलदार है और एक बहुत खूबसूरत फनकार है। उसको आप और हम जानते हैं साहिल आनंद के नाम से। वेलकम टू माय शो। थैंक यू सो मच। सबसे पहले ये बताओ, ये अच्छा वाला वाहियात बनकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मतलब अक्सर लोग तारीफ करते हैं, बट तू दोस्त है तो तू कुछ भी बोल सकता है, भाई याद बोल, ये बोल, वो बोल, सब चलता है। कहते हैं परिवार सबसे ज़्यादा करीब होता है, एंड हम सबको पता है यू कम फ्रॉम अ वेरी वेल ऑफ फैमिली, और पंजाबी फैमिली जो शोबिज़ को बहुत पसंद करती है, लेकिन तुम्हारे केस में थोड़ा ऑपोजिट था, दे डिड नॉट वॉन्टेड यू टू गेट इन टू शोबिज़। या इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम, मैं ये कहूँगा, जब मैं पहले इनिशली बॉम्बे आया था, क्योंकि फैमिली सपोर्ट नहीं करती थी, तब उनको लगता था कि, जैसे आज मैं सोचता हूँ कि हाँ, मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, सो आई गॉट अ जॉब इन कैलिफोर्निया ऑल्सो इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, सो मैं उसमें जाने वाला था, मेरी 6 months की इंडिया में ट्रेनिंग थी, एंड देन आई टू गो टू US। तो एक माँ बाप तो यही चाहेंगे ना कि उनके बेटे को एक जॉब मिली है, सेटल्ड रहेगा, इंजीनियर बनेगा और US में रहेगा। जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो मैं अपने डैड से बोलता था कि पापा मैं इंजीनियरिंग कर तो रहा हूँ बट मेरा मन नहीं है, मुझे नहीं पता कि मुझे यही करियर कर आगे फॉरवर्ड लेकर जाना है कि कुछ और करना है, मुझे यही नहीं समझ में आता कि मुझे करना क्या है। हाँ, मैं यही कहूँगा कि तब घर वालों की सपोर्ट नहीं थी, और बहुत मुश्किल से मैंने जितने भी 2-3 महीने जॉब करी थी, जितना भी उससे पैसा मिला था मुझे, उससे मैंने टिकट करवाई थी अपने बॉम्बे आने की, और मैंने कहा था घर वालों को, चलो जी 3 महीने मुझे दे दो बॉम्बे आने के लिए, आई जस्ट वॉन्ट टू सी कि क्या है ये फील्ड। बट मैं वही कहूँगा, वो 3 महीने आज इतने साल हो गए, और आज उल्टा हो गया, आज मेरे पेरेंट्स ही मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। They are the ones who support me a lot when I'm down, जब काम नहीं मिलता या disappoint। आपकी यहाँ पर हर रोज rejections हैं बॉम्बे में, आप हर रोज auditions देते हो, आप 4-5 auditions देता था मैं, तब तो मैं सुबह निकलता था, शाम को बाहर वापस आता था जब मैं बॉम्बे आया था, और हर रोज disappointment, हर रोज ये कि नहीं हो रहा। तो धीरे धीरे घर वालों को भी समझ में आया कि यार इसे वही करना है, शायद इसे खुशी वहीं पर मिल रही है, आज वो सबसे बड़ी मेरी सपोर्ट है। मतलब फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली और 5 से 6 लोग एक ही अपार्टमेंट में फर्श पर सो रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल हुआ? मैं ये कहूँगा कि वो सबसे डिफिकल्ट टाइम था फॉर मी, बिकॉज सो आई एम फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली इन चंडीगढ़, लाइक आई एम मतलब अच्छी फैमिली से हूँ, तो मतलब ऐसा सीन था कि 8th में ही मेरे डैड ने मुझे गाड़ी दे दी थी, फिर 10th में मैंने चेंज करी थी, फिर 12th में मैंने चेंज करी थी, मतलब ऐसा सीन था। एंड कट टू बॉम्बे में आना एंड ऑटो में घूमना, कट टू वहाँ पर अगर मैं खाना खा रहा हूँ तो मेरी मॉम लेकर आती थी, अपने हाथ से खिलाती थी, और मैं टीवी देख रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, एंड मतलब ऐसी लाइफ थी मेरी। एंड कट टू एसी में हमेशा रहना और बॉम्बे में आ जाना और एसी ना होना, 4-5 लड़कों के साथ रहना, नीचे सोना,
मतलब इतना, और जहाँ हम रहते थे वो एरिया में मॉस्किटोज बहुत थे क्योंकि वो सी के पास था। तो आप सोचो कि हमारा सबसे बड़ा होता था ओडोमस, पूरी रात हम ओडोमस लगाते थे सारे की यार खत्म ना हो जाए, बस ये ओडोमस नहीं खत्म होनी चाहिए, मतलब कोई और चीज, दूध खत्म हो जाए हमारे घर में पर ओडोमस खत्म नहीं होना चाहिए। वो सब कुछ करना, दोस्तों के साथ रहना, दोस्त बन जाना, और पांच ऐसे लोग जिनको आप शायद एक दो को जानते हैं बट बाकियों को नहीं जानते, उनके साथ रहना, एडजस्ट करना है घर में, एंड स्ट्रगल करना सुबह से लेकर रात तक। मैं ये कहूँगा कि इतना ज़्यादा स्ट्रगल था मेरा उस वक्त कि आई हैड टू डिसाइड बिटवीन लंच और डिनर। कई बार ऐसा भी किया है कि मुझे पता होता था कि डिस्टेंस एक ऑटो वाला इतने पैसे लेता है यहाँ से अंधेरी यारी रोड से लोखनवाला तक, और वहाँ पे ऑडिशन है, तो मैं सोचता था चल यार थोड़ा ऐसे करता हूँ, थोड़ा चल लेता हूँ, 5-10 रुपये बच जाएंगे तो उसका एक वड़ा पाव खा लूँगा तो थोड़ा पेट भरा रहेगा, तो फिर मैं डायरेक्टली लंच डिनर करूँगा, लंच स्किप कर दूँगा। तो दैट इज़ हाउ आई हैड टू स्ट्रगल। एंड देखो वो बहुत ईजी होता है कि आप अगर नॉर्मल, आपकी लाइफ बैक ऑफ घर पे भी ऐसी है, आपके पास आपको दो वक्त की रोटी के बारे में सोचना पड़ता है, एंड देन यू कम टू बॉम्बे एंड वही सेम चल रहा है, एंड दैट्स इट्स वेरी नॉर्मल, एंड देन आप कुछ बड़ा करते हो तो आप एक ऐसे लेवल पे हो जहाँ पे आप सारा टाइम बाहर घूमना फिरना, सारा टाइम बाहर खाना खाना, अयाशी करना, वो वैसा था मैं, स्पॉइल्ड ब्रैड कह सकते हैं, और उसको बॉम्बे में आना एंड दो वक्त की रोटी के लिए स्ट्रगल करना, और चार चार पांच पांच लोगों के साथ एक घर में सोना, ऑटो में ट्रैवल करना, जहाँ मेरे पास चंडीगढ़ में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, और कट्टू ऑटो में, बट इट वॉज ऑल एक्सपीरियंस, मैं ये कहूँगा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, उससे बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे, भूख के बारे में, मुझे जोश के बारे में, एक एक चाह के बारे में, एक कला के बारे में बहुत कुछ पता चला कि क्या स्ट्रगल करना पड़ता है एक चीज़ पाने के लिए। सोचो यार, मतलब शालिनी मनोहर उत्तरा था मेरे साथ, वो अच्छा आज काम कर रहा है, अंकित मोहन था वो आज अच्छा काम कर रहा है, विशाल के साथ मैं इनिशियली विशाल का, विशाल भी अच्छा काम कर रहा है, सारे अच्छे काम कर रहे हैं यार, मतलब मैं ये कहूँगा कि आई एम सो हैप्पी कि सब काम कर रहे हैं। और फिर वो दिन आ भी गया साहिल जब MTV रोडीज आपके हाथ में आया, वो कैसे शुरू हुआ ये सफर? ऐसे ही एक दिन फिर हम कॉलेज के लिए निकल रहे थे तो किसी ने, मेरे दोस्त ने बोला यार सुनने में आया एक रोडीज का ऑडिशन हो रहा है, कुछ बॉम्बे से कुछ लोग आते हैं वो ऑडिशन लेते हैं और फिर आप एक शो करते हो, ऐसा कुछ सुनने में आया। तो हमने कहा चल ठीक है, ऐसा कुछ था तो नहीं कि शो में, बट ये था कि यार चलो कोई क्राउड देखने को मिल जाएगा, मतलब बेसिकली लड़कियाँ देखने को मिल जाएंगी, तो चलते हैं, तो चलते हैं, तो ऐसे गए वहाँ पे, और वहाँ पे देखा तो हमारा पूरा कॉलेज भी पहुँचा हुआ था, तो हमने कहा चलो जी आज का दिन तो सेट हो गया, आज का आज हमें पता है कि करना क्या है। इमेजिन हमें ये था कि इट वॉज कुछ होता नहीं था चंडीगढ़ में, तो उस दिन ऐसा था कि यार आज का दिन तो आराम से टाइम पास हो जाएगा, आज तो मज़ा आएगा, क्योंकि पहले इंटरव्यू, पहले लाइन में लग रहे थे हम, फिर अंदर जाएंगे, फिर वहाँ GTs होंगी, फिर पर्सनल इंटरव्यूज होंगी, तो ऐसे ऐसे करते पता नहीं, और लोग दिख रहे हैं कितने लोग आए हुए हैं अलग अलग, हो यार यहाँ अच्छा ऐसी पता नहीं, मेरे को शायद इस शो में नहीं आना था और मैं बहुत ही रियल था और मेरे को प्रटेंड नहीं करना था, तो मैं हर जगह मैं आई वॉज बींग साहिल आनंद, आई वॉज नॉट बींग समबडी एल्स, सो मे बी दैट्स वट उनको पसंद आया, या उनको मेरी वाइब अच्छी लगी, या उनको लगा कि हाँ यार ये बंदे में, ये बंदा सही रियल है, तो शायद इसलिए मैं सिलेक्ट हो गया। एंड ऐसे ऐसे करते करते GD क्लियर हुई, पर्सनल इंटरव्यू क्लियर हुई, एंड मैं रोडीज में सिलेक्ट हो गया, एंड इट वॉज ए बिग थिंग फॉर मी यार, लाइक फ्रॉम चंडीगढ़ टू गो, और मैं ये भी कहना चाहूँगा पहली बार उसकी वजह से मैं एरोप्लेन में बैठा, खुद की टिकट खरीद, मतलब इट वॉज मेरी वजह से, मैं खुद की वजह से पहली बार प्लेन में बैठा, दैट वॉज अ बिग थिंग फॉर मी। आज तो भाई कोई भी प्लेन में ट्रैवल करता, बट दैट टाइम ऐसा होता था कि प्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं। और ये किस साल की बात बता रहे हो? ये मैं बता रहा हूँ 2009-10 की, 2008 या 2009 की। और उसके बाद लाइफ कैसे चेंज हुई, और क्या लगा कि अब लाइफ बदल रही है? मैं कहूँगा बहुत लाइफ चेंज हुई यार, उसी की वजह से तो आज मैं यहाँ बॉम्बे में, अपने घर है मेरा, सब कुछ है, एंड आई एम हियर बिकॉज एक रोडीज है जिसकी वजह से मुझे इस फील्ड के बारे में पता चला कि ये भी एक फील्ड होती है, एंड इसमें भी नहीं तो अगर आप चंडीगढ़ में हो इट्स जस्ट कि आपका लड़का होता है तो आप इंजीनियर बनोगे, अगर लड़की होती है तो वो डॉक्टर बनेगी, इसके अलावा कुछ और, या अब मैं जो देख रहा हूँ कि सब लॉयर बन रहे हैं या सब फिर कैनेडा भाग जाते हैं, तो ये चार चीज़ों के अलावा और कुछ था नहीं, बट इस फील्ड के बारे में तो किसी को पता ही नहीं था कि यहाँ पे इतना काम है, लाइक आप प्रोडक्शन में घुस सकते हो, आप डायरेक्शन में घुस सकते हो, आप कितना कुछ DOP बन सकते हो, आप इतना कुछ, आप एक्टर बन सकते हो, मतलब
देयर इज अ लॉट टू एक्सप्लोर इन दिस फील्ड. ये हमें कुछ पता ही नहीं था, आइडिया ही नहीं था. इस एमटीवी रोडीज की वजह से मुझे इस फील्ड के बारे में पता चला तब. एंड व्हेन आई वाज डूइंग माय जॉब तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार शायद यही था जो मुझे करना था, और ये डायरेक्शन मुझे भगवान ने दी है इन एमटीवी रोडीज के रूप में कि मुझे इस फील्ड के बारे में पता चला, नहीं तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता. अब मैं इंस्टा पे मेरे को इतने मैसेजेस आते हैं, जस्ट एग्जांपल कि यार मुझे एक्टर बनना है तो मैं क्या करूं, मैं रोडीज करूं कि स्प्लिट सेला करूं कि ये करूं. मतलब आज उनको अगर इस फील्ड में एक्टर बनना है, उनको वो सोचते हैं कि हम ये करेंगे तभी वो पाएगा. और मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं सबसे जो ये देख रहे हैं कि कितने लोग आप रोडीज देखते होंगे, कितने लोग हर रोडी में से आते हैं और एक्टर बन जाते हैं और सक्सेसफुल एक्टर बनते हैं. मैं ये कह रहा हूँ हर रोडी में से एक ले सकते हैं, और वो भी आप पहले वाले सीजन में से ले सकते हैं. अभी के सीजन में से आप मेरे को कोई भी गिना दो कि ये बंदा एक्टर है, ये एक्टिंग कर रहा है यहाँ पर बॉम्बे में, सक्सेसफुल है. क्योंकि आपको बस ऊपर ऊपर से होता है कि आपको शो बिज में आना है, आपको एक्टिंग करनी है, आपको एक्टर बनना है, बट मेहनत नहीं करनी. आप चाहते हो कि भाई सीधा रोडीज करें, वहाँ से फेम आएगा, फेम से अपने आप उठा लेंगे लोग, ऐसा नहीं होता. अब हमें भी रोडीज से लोग बुलाते थे, बट एक्टिंग तो हमें ही करनी है ना, टैलेंट तो हमारे अंदर ही होना चाहिए ना. तो वो सीखा है. मेन आप अपने टैलेंट पे काम करें, आपको काम ऐसे मिलेगा यार, कोई रोक नहीं पाएगा आपको. And then student of the year हुई. Yes, जहां पर आपकी मुलाकात वरुण धवन, आलिया भट्ट जो भी न्यू उस समय न्यू कमर्स थे, करण जौहर जैसे डायरेक्टर से आपका वास्ता हुआ और एक ऑनसेंबल कास्ट के साथ आप जुड़े, तो ये कैसा एक्सपीरियंस था? कर स्टूडेंट ऑफ द ईयर आपको कैसे मिली, क्या एक्सपीरियंस था? और of course, student of the year is a big thing for me because बहुत से लोगों का ये सिर्फ ड्रीम था कि वो धर्मा के साथ. हम जब इस फील्ड में आते हैं हम सोचते हैं कि हम यशराज के साथ काम करें, हम धर्मा में काम करें, और वो पूरा होना किसी का, मेरे जैसे इंसान का जो उसको एक दो साल पहले पता ही नहीं था क्या करना क्या, उसके लिए ये चीज़ होने, इट्स अ बिग थिंग फॉर मी. एंड आई वाज सो प्राउड कि मैंने इतनी मेहनत करी है और इतना स्ट्रगल मैंने करा एक दो साल बॉम्बे में, वो मुझे उसका फल मिल रहा था उस वक्त जो मैंने सीखा लोगों से. मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं एक्टिंग स्कूल ज्वाइन कर पाऊँ, तो मैं लोगों से सीखता था, मैं ऑडिशन देखता था लोगों के, कास्ट जो कैमरा के पीछे उनसे पूछता था भाई कैसे करा, अच्छा ये बताओ ठीक लग रहा है ये नहीं लग रहा, फिर देखना करना, अपने दोस्तों से सीखना, रैंडम लोगों से सीखना, ऑडिशन से एक्सप्रेशन सीखना. टीवी के ऑडिशन देता था ताकि मेरे को स्पीच मेरी हिंदी हो, क्योंकि मेरी पंजाबी एक्शन था. तो ये सारी चीज़ें मुझे दिखी. जब मुझे स्टूडेंट ऑफ द ईयर मिली तो मुझे समझ में आया कि यार मतलब मेहनत का फल मीठा होता है. देखिए मेरे को किसी दोस्त ने बताया था कि एक पंजाबी लड़का ढूंढ रहे हैं ऐसे से, तो तू ये कास्टिंग वाली है, इसको नंदिनी श्रीकांत है, इनको कांटेक्ट करो, इनको बताओ कि तुम पंजाब से हो, तुम्हें पंजाबी आती है. तो मैंने बोला, मैंने उनसे फ़ोन करा, उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ आप ऑडिशन दे दो एक. तो मैंने ऑडिशन दिया, उनको पसंद आया, फिर एक और राउंड था डांस का, वो मैंने दिया, उनको वो भी पसंद आ गया. मैं तो ये समझ नहीं आया कि डांस कैसे पसंद आ गया, बट तब मुझे इतना अच्छी तरह आता नहीं था, वो भी पसंद आ गया. फिर एक और राउंड था ऑडिशन का, फिर वो क्लियर किया, फिर एक पर्सनल इंटरव्यू थी, वो क्लियर करी. मतलब देयर वर 5 राउंड्स व्हिच आई हैड टू क्लियर फॉर स्टूडेंट ऑफ द ईयर. जय माता दी. ये जय माता दी भी. तो कभी साहिल मन में ये आया कि यार मैंने तो फिल्म्स करी हुई है, मैं टेलीविजन की ओर जा रहा हूँ, कोई ऐसा असमंजस था कभी? सो माई स्टेट ऑफ माइंड हैज बीन चेंज्ड लॉन्ग टाइम बैक. आई थिंक मैं एक एक्टर हूँ, एक कलाकार हूँ. कला दिखा नहीं हो तो वो कोई भी मंच हो, ये नहीं मेरी, मैं ये एक सब सबके दिमाग में होती है चीज़ें. यही तो चीज़ चेंज करनी है हमें. आज वेब ने यही तो चेंज करा है, आज वेब इतना बड़ा बन गया. इट्स जस्ट अबाउट द सोच ऑफ अ पर्सन. मेरी सोच, मैंने अपने आप की सोच कब से बदल दी थी, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे. बट मेरे लिए, मैं एक कलाकार हूँ, मेरे को मंच चाहिए परफॉर्म करने का. मुझे चाहे वो मंच टीवी में मिले, मूवीज़ में मिले, वेब सीरीज़ में मिले, एड्स में मिले, मेरे इंस्टाग्राम में मिले, मेरे लिए वो मंच है. एक्टर को काफ़ी रिग्रेस काम करना होता है मेरे हिसाब से. एक्टिंग 24 आवर प्रोफेशन. तो एक समय ऐसा आया साहिल तुम्हारी लाइफ में जहाँ यू हैड टू गो थ्रू अ वेरी यू नो डिफिकल्ट स्टेज, यू हैड टू कंसल्ट अ साइकियाट्रिस्ट? ऑफ कोर्स. देखिए आपने मुझे हमेशा कॉमेडी करते हुए या नॉर्मल लव रोल्स करते हुए देखा था. ये एक ऐसा रोल था जहाँ पे आई हैड टू बी
somebody else. I had to be so much involved in that character कि वो तभी वो character बाहर निकल के आता. पात्र करके है YouTube पे एक short film है अभी since delivering on it. और अभी Amazon of US and UK ने भी उसको release किया. तो बहुत बड़ी चीज है. तो उसकी preparation ऐसी थी कि मुझे 3-4 दिन पहले शूट से I had to be in that character. और जब मैं शूट के दौरान भी मुझे मैं तीन दिन का वो प्रोसेस था तो शायद ही सोया हूँ मैं उसी कैरेक्टर में. ना मैं नहाया ना मैं धोया कुछ नहीं. खाना भी नहीं खा रहा था मैं इतना. एंड आई वाज जस्ट इनटू दैट कैरेक्टर. आप सब हमें माफ कर दीजिएगा ये हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं. मुझे लगा था कि जैसी लास्ट शॉट होगा मैं उससे बाहर आ जाऊंगा बट अनफॉर्चुनेटली मैं उस कैरेक्टर से बाहर निकल नहीं पाया. मे बी उसकी प्रिपरेशन इतनी ज़्यादा या मैंने दिमाग में इतना ज़्यादा ले लिया था कि बहुत टाइम लग गया उसको निकालने में. एंड आई जस्ट मैंने सोशल मीडिया में ये डाला कि ऐसे से हुआ है. आई जस्ट वॉन्ट टू बी ऑफ फ्रॉम द सोशल मीडिया फॉर सम टाइम बिकॉज आई कंसिडर साइकेट्रिस्ट. सो मैं चंडीगढ़ चले गया था तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि आप पहाड़ों पर चल जाइए थोड़ा रिलैक्स बी अलोन डोंट बी क्लोज टू द नेचर जस्ट रिलैक्स योर माइंड. एंड वो उनकी कुछ थेरेपीज हैं. हाँ उस चीज़ ने ऑफकोर्स मुझे बहुत डिस्टर्ब किया था. एंड स्लोली एंड स्टेडली आई केम आउट ऑफ. आज की डेट में इतना हवा मचा रखा है यार. अगर मुझे बुखार खांसी जुकाम होता है मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ. वैसे ही अगर मेरे ये भी मेरे शरीर का ही पार्ट है ना दिमाग. अगर मेरे को उसके साथ कुछ होगा तो मैं साइकेट्रिस्ट के पास. एंड मैं तो ओपनली मैं बोलता हूँ भैया मैं गया था. और लोग यहाँ पे छुपाते हैं. मैं मतलब कई बार मैं देखता हूँ. और अगला सवाल भी मेरा इसी से जुड़ा हुआ है कि आज जो मिलेनियर एरा लोग कहते हैं जो आज मिलेनियल किड्स हैं आज इस मेंटल स्टेट और मेंटल हेल्थ के ऊपर काफ़ी बातें होती हैं. डिप्रेशन दिस इज नो मोर अ स्टेट ऑफ माइंड इट हैज़ बिकम अ हेल्थ इशू. व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस एंड व्हाट डू यू थिंक आजकल जो मेंटल हेल्थ इशूज इंसान को नॉट एक्टर्स बट इवन नॉर्मल इंसानों को हो रहे हैं तुम्हारा उस पर क्या टेक. क्योंकि पहले लोग ना डरते थे कि यार मैं इसको बताऊंगा कि मेरे को मेरे कुछ है तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे. मजाक लोगों को सबसे ज़्यादा फेयर होता है कि मेरा मजाक उड़ेगा. जब आप ये छोड़ दोगे ना यार आप अपनी 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 दुनिया की सोचोगे कि अपनी सोचो यार तो आपको खुद ठीक होना है. दुनिया तो आपकी आप कुछ भी कर लो दुनिया आपका मजाक उड़ाएगी. आप कुछ सीरियस भी कर रहे हो तब भी आप पे हंसेगी अगर वो चाहें तो. तो इट्स नॉट अबाउट दैट. आई थिंक इट्स अ वेरी बिग इशू एंड स्लोली ये इशू बाहर आ रहा है. लोग बहुत कंफर्टेबल हो रहे हैं इस चीज़ से कि हाँ आई एम गोइंग थ्रू अ हेल्थ इशू मेंटल इशू. सो यस आई थिंक कि बेसिकली कोरोना के बाद लोगों को रियलाइज हुआ है कि यस हमें करना चाहिए जो हम चाहते हैं. हमें हर चीज़ का इलाज करना चाहिए चाहे वो मेंटल इशू है चाहे वो कोई भी इशू है. दे शुड बी ओपन और दुनिया को बताते हैं कि भैया ऐसा है ऐसा है. और फिर आपने तो ऐसा रियलिटी शो भी किया हुआ है जहाँ मेंटल स्टेट और मेंटल हेल्थ का सबसे ज़्यादा एग्जाम होता है बिग बॉस. दैट वाज द वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ बिग बॉस. मेरे टाइप का शो नहीं है यार. मैं नहीं रह सकता हूँ एक घर के अंदर बंद होकर ऐसे लोगों के साथ जिनको मैं जानता नहीं हूँ और वो सिर्फ आपको ऐसे देख रहे हैं घूर रहे हैं आपके पीछे आपकी बातें कर रहे हैं. मुझे लगा था शायद मैंने हर तरह का रियलिटी शो करा है तो ये भी नॉर्मल ही होगा बट भाई तौबा एंड थैंक यू. ऐसे शो में एक मैं बंद के नहीं रह सकता. आई एम अ वेरी फ्री काइंड ऑफ ए पर्सन. आई एम अ फ्री सोल फ्री स्पिरिट. हाउ मच स्क्रिप्टेड इज द शो. सी आई डोंट नो अबाउट द स्क्रिप्टिंग बट यस वी आर जस्ट डूइंग व्हाट दे वांट. आप बस पपेट्स हो. यू आर जस्ट डूइंग व्हाट दे वांट. वो बोलेंगे उठ जाओ हम उठ जाएंगे. वो बोलेंगे सो जाओ हम सो जाएंगे. वो बोलेंगे नहा लो खा लो पी लो ये टास्क कर लो तो हम वो करेंगे. हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं होता. And you were also very vocal about Siddharth Shukla. आपके और उनका banter कैसा था और आपका उनसे banter कैसा था and when he passed away आपका state of mind क्या था? Imagine मैं कभी Siddharth Shukla से as such कभी interaction नहीं हुई कभी मिला नहीं. एक बार देखा था मैंने उसे बस. वो क्या था कि मेरे एक दोस्त है बहुत ही क्लोज दोस्त था तो वो उनके साथ एक शो कर रहे थे जहाँ पे उनके साथ बहुत ही गंदा ट्रीट किया गया था बाय सिद्धार्थ शुक्ला जो मुझे बताया गया उनके थ्रू. न्यूज़ में भी आया था थोड़ा. तो वो मुझे बताता रहता था कि उसने ऐसा करा वैसा करा ये करा वो. तो आपके माइंड में ना ऑटोमेटिकली आता है कि ये इंसान ऐसा है ये अच्छा नहीं है इसने इतना गंदा करा इसके साथ या जैसा भी है.
तो एक बार वैसी पूजा का बर्थडे था, हम जा रहे थे वहाँ इंटरव्यू में, उन्होंने मेरे से पूछ लिया कि इस बार बिग बॉस में आपके कौन दोस्त है, मैंने बता दिया ये दोस्त है, उन्होंने बताया कि कौन नहीं पसंद, मैंने बोला ये नहीं पसंद, क्योंकि मेरी एक परसेप्शन थी, बट मेरी वो बहुत बड़ी गलती थी कि मैंने एक साइड वन साइड ऑफ द स्टोरी सुनी, मैंने दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी कभी नहीं सुनी, और मैंने वन साइड ऑफ द स्टोरी सुनकर मैंने एक अजम्पशन एक प्रिजम्पशन करके मैंने बोल दिया, एंड आई रिग्रेट डूइंग दैट एंड आई विल ऑलवेज, बिकॉज दैट गाय इज नो मोर, उसको इतना प्यार मिला दुनिया से, इतना तो वो अगर वो इंसान अच्छा ना होता तो उसको इतना प्यार नहीं मिलेगा दुनिया से या फैंस से या लोगों से, ही वॉज अ वेरी गुड पर्सन, दैट्स वाई उसको इतना प्यार मिला, और मतलब उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरे को कभी अगर उसको बोलना भी था तो कभी बोल नहीं पाया कि यार मैंने सिर्फ एक ही साइड की स्टोरी सुनी थी, एंड आई एम रॉन्ग एंड आई वॉज रॉन्ग ऑन माई पार्ट, आई शुड हैव लिसन टू द बोथ एंड देन टेकन माई मतलब ऐसे मेरे को आपके बारे में, बस मैंने यही बोला था कि मुझे नहीं पसंद है क्योंकि उन्होंने मेरे दोस्त के साथ ऐसा करा था, तो वो एक ऐसे ही मैंने बोल दिया था, मैंने कुछ सोचा समझा नहीं और या कुछ प्लान नहीं था, सो आई थिंक इट वॉज माई बिगेस्ट मिस्टेक एंड आई रिग्रेट दैट। साहिल, एमटीवी रोडी स्टूडेंट ऑफ द ईयर कसौटी, अगर मैं बात करूं पहले के मुकाबले आज, आप इनमें क्या फर्क देखते हो? आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में भी थे, आपने पहले में भी करा, एमटीवी रोडीज भी आप रह चुके हो, अब देन एंड नाउ का अगर हम बात करें तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वाज देन एंड व्हाट इज नाउ? सब मैं ये कहूंगा कि यार मतलब रोडीज में ही कहूंगा जो चेंज आया, मतलब पहले रोडीज रोडीज होता था, अब रोडीज इज जस्ट मतलब मुझे पता भी नहीं होता कि कौन है रोडीज में या क्या चल रहा है या कौन विनर है, पहले इतना ज़्यादा होता था कि कौन जीतेगा। मूवीज ऑफकोर्स आई फॉलो, तो मैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर 1-2 दोनों में था, तो वो 1 का ग्रैंडियर बहुत बड़ा था, 2 का ठीक था, मतलब एक्सपीरियंस ओके था। साहिल, मैरिज एज अ होल के बारे में आप कैसे देखते हो इस इंस्टीट्यूशन को, एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस फेज इन एवरीवनस लाइफ? सी, आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग इन लाइफ मैरिज, बट देन आज की तरह आज के बारे में अगर मैं सोचूँ तो इट्स अप टू द पीपल, लाइक सम पीपल डोंट वांट टू गेट मैरिड, दे हैव देयर ओन थिंग्स इन लाइफ, सम पीपल फॉलो द जो चल रहा है एक हमारी रस्म हमेशा से कि शादी करनी है, दो जनों को बंधना है, कई लोग ये नहीं मानते, तो सबकी अपनी अपनी, एंड आई डोंट वांट टू मतलब उनके ऊपर पाउंड नहीं करना चाहता कि ये ही करना चाहिए, आपको शादी करनी ही करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इट्स अबाउट टू पीपल लिविंग टुगेदर फॉर लॉन्ग पीरियड, वेदर आप शादी करते हैं नहीं करते, इट्स अप टू यू गाइस, क्योंकि मैं बहुत लोग देखता हूँ शादी करते हैं एक साल बाद या 6 महीने बाद या 2 महीने बाद डिवोर्स हो जाते हैं, और कई लोग हैं जो साथ में रह रहे हैं, लिव इन में रह रहे हैं, और वो सालों साल साथ में हैं, आज 10-10, 15-15, 20-20, 25-25 साल हो गए, सो इट्स नथिंग, इट्स जस्ट मैं ये कहूँगा कि आई एम ओपन टू एनीथिंग एंड आई डोंट वॉन्ट टू से एनीथिंग ऑन दिस, बिकॉज मेरे को लगता है जो साथ जितना टाइम साथ में इंसान रह सकता है या जितना प्यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए, एंड दैट लव हैज ब्लॉसम्ड इनटू अ बेबी बॉय, फादर का ये नया एंगल लाइफ में कैसा लग रहा है? दुनिया में आप बहुत से फील बहुत से मूवमेंट्स आते हैं आपकी लाइफ में, आपको काम मिलता है, आप बहुत खुश होते हो, आप ग्रेजुएट होते हो, आपको अचीवमेंट्स आती हैं आपकी लाइफ में, आप शादी करते हो, मम्मी पापा, बहुत सी चीजें होती हैं, बट ये फीलिंग इज समथिंग एल्स इन लाइफ, इट्स लाइक अ आउट ऑफ द वर्ल्ड थिंग, एंड आई फील सो हैप्पी, आई फील सो लव्ड नाउ, इट्स सो मच लव इन माई लाइफ राइट नाउ। साहिल, आपने भी लाइफ में काफी कुछ अचीव किया है इन टर्म्स ऑफ योर वर्क, स्पेशली एक आउटसाइडर के तौर पर, तो कभी कंपेरिजन में गए, कभी ऐसा लगा कि यार ये मेरा दोस्त है मुझसे ज्यादा कर रहा है काम अच्छा, मैं उस लेवल पे नहीं हूँ, कभी ये थॉट प्रोसेस रहा? मेरा ये थॉट प्रोसेस कभी नहीं, हाँ मतलब जब आप बच्चे होते हो, जब आप इनिशियली कर रहे होते हो, तब थोड़ा बहुत मुझे जो लगता है कि आता है, बट देन आई थिंक विद पीरियड ऑफ टाइम आई रियलाइज कि जो आपकी किस्मत में है ना आपको वही मिलना है, उससे ना ज़्यादा मिलना है ना कम मिलना है, तो इट्स अबाउट कि आप अपनी मेहनत करते रहो, फल की इच्छा ना करो, फल मिलेगा ही मिलेगा, मतलब आज अगर मैं ये सोचने लगा, मैं तो ये चाहता हूँ भाई आज OTT आ गया है, आई एम वो सो हैप्पी कि अब सबको काम मिलेगा, मतलब पहले ऐसा होता था कि मैं ऑडिशंस में जाता था या हर रोज़ आप ऑडिशन दे रहे हो, हर रोज़ वही सेम लोग आ रहे हैं, आपके दोस्त बन जाते थे, फिर आप थोड़ी देर बाद देखते थे कि यार वो तो आ ही नहीं रहे, तो आप पूछते थे कि काम क्या है, तो कहते वो वापस चले गए यार, उसको काम नहीं मिल रहा था, तो इतना बुरा लगता था ना, इतना सैड लगता था कि यार अब वो पता नहीं कहाँ है, कभी मिलेगा लाइफ में नहीं मिलेगा, वो कभी कहीं चल जाते थे,
आज OTT आने की वजह से मैं इतना खुश हूँ कि मैं चाहता हूँ कि सबको काम दें, सब काम करते रहें। आज इतना काम है सबके पास कि इतने बिजी हैं सब कि मैं ये कह रहा हूँ कि बिजी होने से कितना मजा आता है कि आज मेरे को पता है कि मेरा ये दोस्त भी काम कर रहा है, ये दोस्त भी काम कर रहा है, ये दोस्त भी काम कर रहा है। कोई किसी का काम मारता नहीं है यार, या मेरे को काम मिलने से ऐसा नहीं होगा कि या मेरे दोस्त को काम मिलने से ऐसा नहीं होगा कि मुझे काम नहीं मिलेगा, ओ मैं क्या करूँगा यार अगर इसको काम मिल गया तो। वो चीज़ कभी आनी भी नहीं चाहिए, और मैं ये कहूँगा जो मेरी किस्मत में लिखा है वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। और साहिल मैं ये भी जानता हूँ तुम यारों के यार हो, दोस्ती बहुत इमोशनल भी हो, कभी ये दोस्ती की वजह से तुमको ऐसा लगा जैसे कोई दगा मिल गई मुझे या मेरे साथ गलत हुआ, कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा? ऑफ कोर्स बहुत से दर्द मिले और मोस्टली लड़कों से बहुत मिले। तो बहुत से दोस्त होते हैं यहाँ पे बॉम्बे में, आप उनके साथ आप सोचते हो कि आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, आप हर चीज़ शेयर करते हो, आप दिल लगा लेते हो उनके साथ, और बाद में आपको पता चलता है कि यार ये तो मेरे लिए मेरे साथ सिर्फ इस वजह से था, ये तो उस वजह से था। और जब वो बैक स्टेप जब आप दुनिया से सुनते हो कि यार ये तेरे पीछे से ऐसे बातें कर रहा है, ये तेरे पीछे से ऐसे बातें कर रहा है, तो आप सोचते हो यार कहाँ कमी रहेगी थी मेरी दोस्ती में, यार क्या कर दिया मैंने ना कभी मैंने, और दो तीन बार हो गया, आई हैव नेवर एवर डन एनीथिंग रॉन्ग टू एनीवन और टू देम। अब मुझे पता है कि मुझे कितनी स्पेस देनी है, किसको कितना दूर रहना है, और अब मैं फ्रेंड्स बनाता ही नहीं हूँ। फ्रेंड्स वही हैं भाई, मेरे दो फ्रेंड्स हैं जो स्कूल टाइम में थे, आज एक US में एक लंदन में है, वही दो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मतलब उनके साथ ऐसा बॉन्ड है भाई कि अगर मैं 5-5, 6-6 साल वो इंडिया नहीं आते और 6-6 साल के बाद वो आएंगे तो वो ही सेम होता है जैसे हम 6 साल पहले छोड़ के गए थे, कोई डिफरेंस नहीं होता, कोई चीज़ चेंज नहीं होती, एंड इट इज़ ऑलवेज सेम। लो फेजेस हम सबके लाइफ में आते हैं, तुम्हारे लाइफ में जब लो फेजेस आए हाउ डू यू डील विद दैट, खासकर वो जो तुम्हारे व्यूअर्स तुम्हारे फैन फॉलोअर्स तुम्हें देख रहे हैं उनकी लाइफ के लो फेजेस अगर आए तो वो कैसे डील करें? सी लो फेजेस तो हमारी फील्ड में इतने आते हैं, रोज आते हैं कि मुझे तो अब आदत हो गई है भाई, इतनी रिजेक्शन, मतलब अगर 100 ऑडिशन में दे रहा हूँ तो उनमें से एक ही सक्सेसफुल होगा, बाकी सब 99 तो रिजेक्शन है। तो शुरू में बहुत डिफिकल्ट होता था, तो मैं यही करता था कि मैं सबसे मेन चीज़ जैसे मैं अपनी लो फेज निकालता हूँ, इट्स बाय पार्टीज, आई लव पार्टीज, आई लव टू वर्क एंड पार्टी, दैट इज़ माय फंड ऑफ लाइफ, एंड क्लबिंग करके मैं मेरे को सारा लो फील है वो सब खत्म हो जाता है। मतलब मैं इतना खुश होता हूँ, मैं कहता हूँ यार कुछ पता ही नहीं मुझे कि क्या हुआ था कल क्या हुआ, तो समझ रहे हो, मतलब ऐसा सीन है मेरे साथ। सो आई जस्ट लव पार्टीज, एंड एक वही चीज़ है जो मेरी लोपन को ख़त्म कर देती है। साहिल हमारे इस एपिसोड का नाम है द सेकंड ब्रेक थ्रू, वो इसलिए क्योंकि नाउ यू आर अ फादर, यू आर सेटल्ड, आपने भी काम बहुत, एक दशक हो गया आपको काम करते हुए, नाउ व्हाट इज योर सेकंड ब्रेक थ्रू इन लाइफ? सेकंड ब्रेक थ्रू आप मेरे को वेब में देखने वाले हैं, दैट इज वन थिंग व्हिच आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, बिकॉज वेब एक ऐसा स्पेस है जो बहुत ही रियल है, जहाँ पे एज एन एक्टर मैं जो करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ, जो रोल मैं चूज करना चाहता हूँ वो मुझे मिल सकता है, बहुत वास्ट है। सेकंड चैप्टर मैंने मूवीज करी है, मैंने बहुत चीजें करी हैं। साहिल आपका MTV रोडीज से टिल नाउ यू आर अ फादर, लाइफ के इस पड़ाव तक आते आते अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट हैज बीन योर रिदम ऑफ लाइफ तो वो क्या होगा, उसका जवाब क्या होगा? फोकस, डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क, दीस आर द रिदम्स ऑफ माय लाइफ व्हिच आई हैव फॉलोड एंड व्हिच आई विल बी फॉलोइंग, एंड लव फॉर माय वर्क, I love my work, so that is some things which I think is the rhythm of my life. तो ये थे हमारे साथ साहिल आनंद जो अपनी लाइफ की सेकंड इनिंग्स की शुरुआत कर रहे हैं और इस बात पर जोर दे रहे हैं that don't give up on your dreams and for what you want now for the most of your life. उसको फर्क नहीं पड़ता कि उसे क्या चाहिए, लेकिन जो चाहिए वो हमेशा के लिए चाहिए। और इसी की बात से हमारे PK बाबा की भी एक बात याद आती है, वो हमें कहते हैं कि आपको अगर खास बनना है तो उसके लिए आपको इंतज़ार करना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हासिल करना इतना आसान हो जाए तो सबको सब कुछ मिल जाता है। तो इसलिए दोस्तों अपनी ज़िंदगी को खास बनाने के लिए मेहनत करिए और समय का इंतज़ार करिए, क्योंकि समय भी उसी को कद्र करता है जो उसका इंतज़ार करते हैं और जो उसको नवाजने के लिए तैयार रहते हैं। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, देखते रहिए रिदम ऑफ लाइफ और सब्सक्राइब करिए हमारे इस चैनल को YMS.
तो कभी अर्चना ऐसी फीलिंग हुई जब आप आरजे परस्यू कर रही थी कि मुझे पॉपुलैरिटी मिलेगी बट आई विल नॉट बी विजिबल? नो, आई थिंक दिस सो कॉल्ड भूतिया पंती ना, जहाँ पे हम दिखते नहीं है, सिर्फ सुनाई देते, मुझे बहुत अच्छी लगती है बिकॉज इमेजिनेशन की अलग लेवल है इसमें.